वेलकम बैक फ्रेंड्स, वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये मेरे जेड प्लांट के बोनसाई है। देखिए दोस्तों, इसकी रूट्स काफ़ी सुंदर लुक नज़र आ रहा है। और दोस्तों ये देखिए, मैं हर हफ्ते दोस्तों इनकी कटिंग करता हूँ और जो इनकी टहनियाँ नीचे गिर जाती है, देखिए काफ़ी सूखी हुई टहनियाँ यहाँ पड़ी है। तो दोस्तों मैं आज इन टहनियों को आपको ग्रो करने का तरीका बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, जो शक्कर साइड से निकलते हैं वो मैं तोड़ के इसके अंदर ही डाल देता हूँ। दोस्तों इस प्लांट को वास्तु के अनुसार घर में काफ़ी शुभ माना जाता है। वैसे यूट्यूब पर इस प्लांट के काफ़ी वीडियो चलते हैं दोस्तों कि पैसों की बारिश करने वाला प्लांट लगाइए घर में, तो वो यही प्लांट है। ये देखिए दोस्तों, मैंने काफ़ी प्लांट बोनसाई तैयार कर रखे हैं, ये देखिए। और दोस्तों इनके रूट्स के लिए मैं स्पेशल फर्टिलाइज़र घर पे तैयार करता हूँ, जिसकी वजह से इनकी रूट्स है वो काफ़ी मोटी ताज़ी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, इनकी मैं रूट दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों उस फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों आज मैं सूखी हुई टहनी से जेड प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं हम, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो जेड प्लांट काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट है, इसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और इसके मैंने काफ़ी पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं, आप मेरी सैक्यूलेंट प्लांट की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके पूरे वीडियो देख सकते हैं और जेड प्लांट के बारे में टोटल जानकारी मेरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी कटिंग सूखी हुई पड़ी है मैं उठा लेता हूँ और आपको मैं इन सूखी हुई कटिंग को ग्रो करने का आज तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों इन कटिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, देखिए इनकी जो पत्तियां हैं वो एकदम सूख चुकी हैं, श्रिंक हो चुकी हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं बचा। और इसका जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जहाँ से हमने कट करके इसको छोड़ा था, वो भी देखिए एकदम सूखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पीछे से भी सूखनी चालू हो चुकी है। चलिए मैं दूसरी की ओर दिखा देता हूँ। दोस्तों इन कटिंग को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसकी पत्ती देखिए दोस्तों एकदम सूख चुकी है। और एक ये कटिंग है दोस्तों, जो अभी मैंने सकर्स जो इसका तोड़ के इसके अंदर डाला था। दोस्तों इन सूखी हुई कटिंग को हम पानी में ग्रो करने वाले हैं ताकि हमारी ये कटिंग फास्ट ग्रो हो जाए। तो जिसके लिए हमें एक थैली, पानी का बाकेट और कुछ रबड़ बैंड चाहिए दोस्तों। और तरीका क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो भी आप प्लास्टिक का या कांच का डिब्बा ले, उसके ऊपर थैली लगाकर इस हिसाब से रिंग लगा दें। चलिए मैं फटाफट लगा देता हूँ। अब दोस्तों इसकी जो साइड की पन्नी है उसे हम कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा थैली बची हुई है। और उसके बाद दोस्तों हम इसमें कटिंग ग्रो करेंगे। दोस्तों थैली कटने के बाद हमारा जार तैयार हो चुका है और पारदर्शी भी है। दोस्तों इसके अंदर जो भी ग्रोथ होगी वो हमें सामने दिखाई देती रहेगी। तो दोस्तों ये कटिंग की जितने भी पीछे इसके एक्स्ट्रा पत्ते हैं दोस्तों, जो सूखे हुए, उन्हें हमें रिमूव कर देना है। तो फटाफट मैं दोस्तों सभी कटिंग को तैयार कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। और दोस्तों एक जो नई ब्रांच हमने कट की थी, आज उसको भी मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगा और दोनों में आप अंतर देखेंगे दोस्तों, कौन सी फास्ट ग्रो होती है। तो दोस्तों सबसे पहले इस थैली के ऊपर हमें छोटे छोटे होल निकालने हैं। मैं इस कैंची की सहायता से होल निकाल रहा हूँ ताकि इसके अंदर हम ये कटिंग है इनको लगा सकें, पानी में डुबो सकें। दोस्तों जितनी कटिंग आप ग्रो करना चाहते हैं उतने ही इसके अंदर छेद निकालें। ये दोस्तों हमारे छेद निकलकर तैयार हो चुके हैं, चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। और अब दोस्तों जितनी भी कटिंग है वो एक एक करके इसके अंदर हमें डाल देनी है। कम से कम दोस्तों आधा इंच पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए इसका हिस्सा। तो मैं फटाफट इनको लगा देता हूँ। और दोस्तों जो ब्रांच हमने अभी कट की है वो इसके बिल्कुल सेंटर में लगा रहा हूँ। दोस्तों हमारी पूरी कटिंग लग चुकी है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कम से कम आधे से एक इंच पानी में डूबा हुआ है सभी कटिंग का निचला हिस्सा। तो दोस्तों अभी दो दिन के बाद जो रिजल्ट रहने वाला है वो मैं आपके सामने डिस्प्ले करूँगा। दोस्तों आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन की जो ग्रोथ है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी रूट्स सभी कटिंग के आ चुकी है और जो हमने नई ताज़ा कटिंग लगाई थी उसमें अभी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, वो वैसे की वैसी पड़ी है।
ये देखिए दोस्तों, दो दिन में ही ये कटिंग ने रूट ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये दोस्तों दूसरे दिन का रिजल्ट है। ये देखिए, इस प्लांट के 3 रूट्स आ चुके हैं। एक और निकाल के दिखा दूँ दोस्तों मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, देखिए काफ़ी ज़्यादा इसके रूट्स निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों इन्हें मैं वापस इसी में डाल देता हूँ और कल का रिजल्ट क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों आज है तीसरा दिन और तीसरे दिन का रिजल्ट देखिए, हमारी रूट्स काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, कम से कम 1 से 1.5 इंच की कुछ कुछ रूट हो चुकी है। ये देखिए, सभी प्लांट हमारे ग्रो हो चुके हैं दोस्तों। सिर्फ 3 दिन का रिजल्ट है जो आप इस वीडियो में देख रहे हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। और इनकी पत्तियाँ देखिए दोस्तों, जो श्रिंक हुई थी उनमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जो नई कटिंग दोस्तों हमने लगाई थी उसका रिजल्ट देखिए, इसमें कोई भी अभी रूट्स डेवलप नहीं हुई है, जैसे थी वैसे की वैसी पड़ी है। और पुराने वाली जो श्रिंक हुई कटिंग थी उन्होंने सभी ने रूट्स डेवलप कर ली है। ये देखिए दोस्तों सिर्फ 3 दिन का रिजल्ट है ये। तो चलिए दोस्तों, मैं कल का रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले और करूँगा और उसके बाद इनको मैं अलग किसी पॉट में सोइल में ग्रो करूँगा, तो वो भी मैं आपको डिस्प्ले करूँगा दोस्तों इसी वीडियो में। बने रहिए, अभी मैं इसको रख देता हूँ और अगले दिन का रिजल्ट आपको फिर दिखाऊँगा। ये भी कटिंग दोस्तों वापस डाल देता हूँ मैं इसमें। दोस्तों आज है चौथा दिन और चौथे दिन का जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी रूट्स काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों हमारी सभी कटिंग ने रूट डेवलप कर ली है और काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, आज से 4 दिन पहले इनकी पत्तियां एकदम श्रिंक थी, अभी इनमें कुछ ताज़ापन है और नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों देखिए, नई नई लीव्स भी इनको आना स्टार्ट हो चुकी है और इनकी पत्तियां भी दोस्तों कुछ ना कुछ हार्ड हो गई हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इसकी रूट्स की जो लंबाई है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लंबी हमारी रूट्स हो चुकी है इसकी। तो दोस्तों आज इसको मैं वापस पानी में डाल देता हूँ और कल हम इसको सोइल में ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों आज है 5वां दिन और 5वें दिन का रिजल्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ क्योंकि आज हमें इसे सोइल में ग्रो करना है। तो दोस्तों इसके जो रबड़ बैंड है उनके साथ ही मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इनकी रूट्स आपको दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा लंबी रूट्स इनकी हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, और इनकी नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों ये देखिए, काफ़ी नई नई लीव्स इनके आना स्टार्ट हो गई है और पत्ते जो श्रिंक थे वो भी पूरे बड़े हो चुके हैं। चलिए मैं एक तोड़ के इसका पानी दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, काफ़ी ज़्यादा इस पत्ती में पानी भर चुका है। जो हमारे प्लांट मरे हुए थे दोस्तों, एकदम श्रिंक हुए थे, वो सिर्फ 5 दिन में देखिए कितने ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। तो इनको मैं आज बाहर निकाल के दोस्तों अलग अलग पॉट में लगाऊंगा। और दोस्तों जो हमारी ताज़ा कटिंग थी उसका भी रिजल्ट देखिए दोस्तों, एक रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई है इसको। ये देखिए दोस्तों, मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, इनको सुरक्षित मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि कोई रूट डैमेज ना हो जाए। और इसका रिजल्ट भी दिखा दूं दोस्तों, ये देखिए काफ़ी लंबी रूट्स। ये दोस्तों हमारी टोटल कटिंग बाहर आ चुकी है। और जो दोस्तों हमने ताज़ा कटिंग लगाई थी उसका भी रिजल्ट देखिए, इसके भी एक छोटी सी रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई है। और जो पुरानी कटिंग थी दोस्तों, उनके और इनके दोनों के रूट में जो अंतर है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमारी कटिंग अब मिट्टी में ग्रो होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मैं इसको ग्रो कर देता हूँ सबको अलग अलग छोटे छोटे पोटों में, और जब ये बड़ी हो जाएंगी तो मैं अलग गमले में शिफ्ट कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के लिंक आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ ही दिनों में नई वीडियो और नई जानकारी के साथ।